पिछले वीडियो से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पेरीमीटर इज इक्वल टू मैंने 96 निकाल लिया था, राइट। यहाँ पे हमारा एडिशन भी आ गया था, तो हमें आंसर क्या मिला था, 96। अभी हम सेकंड स्टेप के अंदर क्या निकाल रहे हैं, सेमी पेरीमीटर, जो हमेशा पेरीमीटर बाय 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आई थी, 96, तो ये 96 बाय 2 हो गया, इज इक्वल टू आंसर कितना मिलेगा आपको, 48। अभी हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो थर्ड स्टेप इज इक्वल टू क्या था हमारा, एरिया इज इक्वल टू इन ब्रैकेट सॉरी एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, तो एस की वैल्यू हमें क्या मिली थी, एस की वैल्यू हमें मिल गई थी 48, और हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो ए इज इक्वल टू 32 था, बी इज इक्वल टू 24 था और सी इज इक्वल टू 40 था। तो यहां पे देखिए, मैंने हर एक की वैल्यू रख दी है यहां पे, 48 माइनस 32, 48 माइनस 24 एंड 48 माइनस 40। अब हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर इस 48 को एज इट इज, यहां 48 माइनस 32 किया तो कितना आंसर आया, 16, 48 माइनस 24 किया तो कितना आंसर आया, 24, और 48 माइनस 40 किया तो कितना आंसर आया, 8। अब मैंने क्या किया कि ये जो 48 थे, इस 48 को मैं आपको रेड पेन से दिखाता हूं ताकि समझ में आए, ये जो 48 था इस 48 को मैंने फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। यहां पे 16 था तो मैंने 16 को एज इट इज लिख दिया, फिर 24 को मैंने फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया और इस 8 को मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया। अब फैक्टर में क्यों लिखना है, क्योंकि आपको नीचे वाले स्टेप में समझ में आएगा कि मैंने फैक्टर में क्यों लिखा। देखो यहां पे 16 और 16 दो बार आ रहा था, मैंने दो बार लिख दिया। यहां पे 8 और 8 दो बार आ रहा था, मैंने दो बार लिख दिया। और यहां पे देखो 3 और 3 दो बार आ रहा था, मैंने दो बार लिख दिया। अब मैंने इसको दो बार है तो मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, दो बार है स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, दो बार है तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि देखो 16 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मैं तीनों का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो इस तरीके से हो जाएगा 16 इंटू 8 इंटू 3 का स्क्वायर। बट आपको मालूम था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाते हैं, इसीलिए ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा और क्या बचेगा, 16 इंटू 8 इंटू 3। अब मैंने देखो 16 और 8 3 जा कितना होता है, 24, तो मैंने यहां पे लेफ्ट साइड में देखो मल्टीप्लाई भी किया हुआ है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर कितना मिलता है, 384। तो यहां पे हमने आंसर लिख दिया 384 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम हीरन्स फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस हैं वो बना सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन बना के दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन 2 के अंदर कुछ आपको रेशियो के फॉर्म में साइड्स दी हुई है, कुछ प्रॉपर बताया हुआ नहीं है कि कितना हमें साइड्स लेना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का रूल लगाएंगे। हमें यहां पे प्रॉपर्टी दी हुई है, यहां पे हमें प्रॉपर्टी का रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास साइड्स नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहां पे मैं लिख लेता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 150 मीटर। ये हमें पेरीमीटर इस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में साइड मिस है और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी साइड्स नहीं दी होती है और पेरीमीटर दिया हुआ रहता है और साइड की जगह पे साइड के रेशोस दिए होते हैं। तो हम रेशो को निकालने के लिए और रेशो में से साइड्स निकालने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहां पे देखो एबी की वैल्यू कितनी थी, 3 जेम थी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 3x। बीसी था वो 5 जेम था, इसे मैंने 5x लिख दिया। और सीए है उसको मैंने 7x के फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू 150 हो गया, राइट। अभी इसका तीनों का आप ऐड करो, लाइक टर्म हो रहे हैं इसलिए कितना आ जाएगा, ये करीबन आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 150। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 बाय 50, 15 मंजा 15, x इज इक्वल टू कितना आया, 10। अब हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे ए बी था वो 2x के बराबर था,
तो अब एक्स की वैल्यू 10 है, तो 2 टेंजा कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। BC इज इक्वल टू कितना था, 5x था, तो 5 इंटू 10 50 मीटर हो जाएगा। आपको x की वैल्यू रखनी है, बाजू में x की वैल्यू 10 आई थी इसीलिए। और CA इज इक्वल टू 7x था, इज इक्वल टू 70 मीटर आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास A, हमारे पास A, B और C की वैल्यू आ गई है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर तो हमें दी हुई थी, पेरीमीटर कितनी थी, 150 मीटर। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सेमी पेरीमीटर, जो पेरीमीटर बाय 2 के बराबर होता है। तो ये 150 बाय 2 करेंगे तो कितना मिलेगा आंसर हमें, 75 मीटर। अभी हम थर्ड स्टेप करेंगे जिसके अंदर आप एरिया निकालोगे। तो थर्ड स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही पेज में पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व समझ में आ जाए। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या था, एरिया ए इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, अभी यहां पे एरिया ए इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी आई थी, 75। फिर 75 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 20। 75 माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, 50। और 75 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी, 70। ब्रैकेट आपको पूरा करना है, स्क्वायर रूट भी पूरा करना है, ठीक है। 75 लिख दिया मैंने, 75 में से 20 जाएगा तो 55 बचेगा, 75 में से 50 जाएगा तो 25 रिमेनिंग होगा, और 75 में से 70 जाएगा तो 5 रिमेन होगा। अब मैं 75 को 25 थ्रीजा के फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको मैं 5 इंटू 11 के फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको मैं 5 इंटू 5 लिख रहा हूं, और इसको मैं 5 लिख रहा हूं। देखो 25 को मैंने 5 जा, 55 को मैंने 11 5 जा, और 75 को मैंने 25 थ्रीजा के फॉर्म में लिख दिया। अभी देखते हैं किसकी किसकी पैर बन रही है, किसके ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है। पहले तो यहां पे देखो 25, यहां पे देखो 25 है, तो 25 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, 5 की पावर 2 इंटू, यहां पे देखो 1 2 3 4, मतलब यहां पे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 दो बार हो जाएगा, क्योंकि ये 5 देखो 1 2 3 4 बार आ रहे हैं, तो मैंने 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फिर यहां पे देखो 3 है वो बच रहा है, और 11 है वो भी बच रहा है, क्योंकि उनका कोई ग्रुप नहीं बन रहा है। अब देखिए यहां पे फाइव की पावर टू, तो मैं यहाँ पे 5 × 5 × 5 raised to 2 लिख देता हूँ। चलिए, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 × 11 बच रहा है। ओके, यहाँ पे A इज इक्वल टू 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125 रेस्ट टू 2 इंटू, ये कितना बच रहा है, 33। अब एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 का स्क्वायर, तो ये 125 कट हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 33। तो इस तरीके से ये आपका आंसर बन जाता है। तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।